हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी देखी थी। अब हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन पर काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकएंड में ऑथराइजेशन देख लेंगे, उसके बाद में फ्रंट एंड को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तब हमारे पास एक टोकन आता है और उस टोकन के बेसिस पे हम जो है ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि राउट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे ऑथराइजेशन के बेसिस पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम उस टोकन को जो है गेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और अगर वो वैलिड होता है तब हम क्या करेंगे, उस राउट को जो है यूजर को शो कराएंगे। तो आपको क्या करना है, मिडलवेयर्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम हम रखेंगे ऑथ मिडलवेयर। और इसके लिए आपको सबसे पहले जो है JWT को इम्पोर्ट करना है, यानी जेसन वेब टोकन को, कॉन्स्ट JWT रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मिडलवेयर फंक्शन क्रिएट करेंगे। सिंपली नेक्स्ट फंक्शन को हम कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन। एज इट इज हमारा नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं नेक्स्ट का एडिशन कर देते हैं जिसकी मदद से वो मिडलवेयर बन जाता है। चलिए हम इसको साथ ही में एक्सपोर्ट भी कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट फाइल नेम है ऑथ मिडलवेयर के नाम से, और जितने भी अगर हमको और मिडलवेयर लगते हैं तो सेपरेट फाइल्स में हम उनको रखेंगे। तो डायरेक्टली इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे और ये फंक्शन रहेगा एसिंक फंक्शन। तो यहाँ पे एसिंक एरो फंक्शन, ये हो गया हमारा मिडलवेयर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को जो है हैंडल करेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपने नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्या करेगा, फर्दर हमारे कोड को जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं, टोकन को गेट करेंगे। अब जब भी आप टोकन भेजेंगे तो वो होता है रिक्वेस्ट के हेडर में। बॉडी में हमारे पास डेटा होता है, जैसे फॉर्म का डेटा हो गया तो वो रहेगा बॉडी सेक्शन में, और जितना भी टोकन से रिलेटेड डेटा रहेगा वो होता है रिक्वेस्ट के हेडर में। तो उसको हमको पहले शुरू जो है गेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट, फिर हम हेडर्स को टारगेट कर लेंगे, हेडर्स, और हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथोराइजेशन, तो इसको आपको टारगेट करना है। तो ये ऑथराइजेशन हमको मिलता है हेडर्स में, इसमें से हम इसको गेट करेंगे। और साथ ही में हमारे पास जब भी आप जेसन टोकन यूज करेंगे ना, उसमें बियरर का नेमिंग कन्वेंशन है, तो उसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट टोकन चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है स्प्लिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्पेस यहाँ पर ऐड कर देना है, और उसके बाद में उसका इंडेक्स हम गेट कर लेंगे फर्स्ट, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्टली जो है सेकेंड वाला एलिमेंट गेट कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ 1 की मदद से। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये रैंडम टोकन है, ठीक है। ये टोकन जो रहेगा ना, इससे पहले एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की जाती है बियरर करके। बियरर रहता है, उसके बाद में स्पेस रहता है, और फिर आपका टोकन रहता है। तो इसको हम गेट कर रहे हैं इस स्प्लिट की मदद से। इसको हम फ्रंट एंड में देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने टोकन को गेट कर लिया, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो JWT, और इसके अंदर हमको वेरीफाई का फंक्शन मिलता है। सो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे वेरीफाई, और वेरीफाई आपको क्या करना है, हमको टोकन को वेरीफाई करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे टोकन, और किसके बेसिस पे करेंगे, देखिए हमने जो है .env के फाइल में इसका जो है एक वेरिएबल बना के रखा है JWT सीक्रेट, इसकी मदद से हमने इनक्रिप्ट किया था, अब इसी की मदद से हम इसको डिक्रिप्ट भी करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोसेस डॉट env डॉट JWT_ सीक्रेट, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, ये दोनों की स्पेलिंग जो है सही होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जब वेरीफाई करेगा तो हमको इसमें एक और कॉल बैक मिलेगा। कॉल बैक में क्या होगा, एक तो देखिए पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि एक तो हमको इसमें एरर आ सकता है करते टाइम, सो यहाँ पर एरर सिनेरियो, उसके बाद में हमको डिकोड होके हमारा टोकन मिल जाएगा, यानी टोकन डिकोड हो जाएगा। तो टोकन डिकोड होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर को सेंड करा सकते हैं कि कौन सा यूजर लॉग इन है, और अगर हमको इसमें कुछ मॉड्यूल्स भी ऐड करना है, एडमिन मॉड्यूल्स या फिर जितने भी आपको सेपरेट मॉड्यूल्स इसके अंदर रखने हैं तो आप रख सकते हैं डिकोड करके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे पहले अगर एरर है तो एरर सिनेरियो हम हैंडल कर लेंगे। सो इफ एरर, तो एरर के अंदर हम क्या कर देंगे, यहीं पर इसको जो है टर्मिनेट कर देंगे रिटर्न की मदद से, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और इसके अंदर एक मैसेज आप ऐड कर सकते हैं मैसेज, और मैसेज के अंदर हम यहाँ पर
auth failed कर देंगे, auth failed, और success को इसमें कर देंगे हम false. तो ये हो गया हमारा error scenario. अब हमारे पास है success के लिए, तो else condition आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसी में हम continue कर लेंगे else. else में हमारे पास success response है, तो यहाँ पे else में आपको जो है request को handle करना है, request को handle करना है, request dot body dot user id. जो यूजर आईडी है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिकोड कर देंगे, डिकोड डॉट आईडी. अब ये आईडी हमने जो है लॉगिन करते टाइम जो है सेट की थी, एक बार मैं बता देता हूँ आपको. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन में हमने साइन करते टाइम जो है यूजर की आईडी को जो है पास किया था, और आई थिंक यहाँ पर डबल अंडरस्कोर हो गया, इसको कट करके सिर्फ अंडरस्कोर आईडी कर लेते हैं. और ये आईडी के बेसिस पे हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. डीकोड के लिए यहाँ पर आईडी जो है पास करा दिए. अब जैसे ये पास हो जाएंगे इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी सब कुछ ओके है, इसीलिए आप जो है आगे बढ़ जाओ. और अगर कुछ भी इश्यू आता है तो यहीं पर ये टर्मिनेट हो जाएगा. और इसको मैं क्या करता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ, तो ये पूरा कट कर देंगे और इसको ट्राई कैच ब्लॉक में हम ऐड कर देंगे, पेस्ट. और यहाँ पर कैच के सिनेरियो में आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, तो पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, जो भी एरर आ रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे. फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज देंगे, रेस डॉट स्टेटस ऑफ 401 डॉट सेंड, यहाँ पर हम कर देंगे मैसेज को. सो मैसेज, मैसेज में सेम लिख सकते हैं ऑथ फेल्ड, और सक्सेस इसमें फॉल्स कर देंगे. सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कोई एरर एक बार चेक कर लेते हैं. डिटेल में हमारे पास कुछ एरर शो कर रहा है, कहाँ पर है ये, ओके रिक्वेस्ट बॉडी डॉट यूजर आईडी, तो ये कोलन हो गया, इसको इक्वल करना था हमको. ठीक है, लाइन नंबर 13 पे आप देख सकते हैं ये कोलन नहीं, ये इक्वल रहेगा. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूजर आईडी जो है उसको हम यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल साइन रहेगा. सेव. अब ठीक है, अब कोई भी एरर हमको देखने नहीं मिलेगा. नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई भी अभी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, और टर्मिनल अभी ऑफ है, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको. तो हमारा ऑथ मिडलवेयर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है. अब हम जो है क्लाइंट से टोकन को सेंड कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे होम पेज पे जाएंगे. तो मैं यहाँ पे होम पेज को जो है ओपन कर लेता हूँ, होम पेज. और यहाँ पर हम क्या करेंगे यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देंगे. सो यूज इफेक्ट, और हम क्या करेंगे इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे. सो उससे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके बाद में यूज इफेक्ट में इसको कॉल कर लेंगे. तो एक फंक्शन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और इसका नाम यहाँ पर रख देंगे यूजर डेटा, और या फिर लॉग इन यूजर डेटा कर लेते हैं. लॉग इन यूजर डेटा कॉन्स्ट गेट यूजर डेटा, ये रहेगा एरो फंक्शन. और इसको हम क्या करेंगे यूज इफेक्ट हुक में जो है कॉल कर लेंगे. यूज इफेक्ट हुक आपको ऐड कर देना है, इसके अंदर फंक्शन, और यहाँ पर डिपेंडेंसी आपको जो है पास करा देना है, और इस फंक्शन के अंदर गेट यूजर डेटा फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे. तो यूज इफेक्ट में हमने इसको कॉल कर लिया. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी अपने पास एरर आ रहा है सबसे पहले उसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और यहाँ पर टोकन को सेंड करा देंगे बैकएंड में. तो यहाँ पे आपको क्या करना है एक्सियोस को भी इम्पोर्ट कर देना है, क्योंकि एक्सियोस भी हमको लगेगा. सो इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जब ये एंड पॉइंट कॉल होगा तब हमको डेटा मिलेगा. तो इसको हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट, और इस फंक्शन को हम एसिंक कर लेंगे पहले शुरू अवेट, फिर एक्सियोस का इस्तेमाल करना है, और फिर पोस्ट रिक्वेस्ट रहेंगी, और यहाँ पर हमको एक एंड पॉइंट को कॉल करना है. सबसे पहले एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर स्लैश गेट यूजर डेटा, और इसके बाद में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हम क्या करेंगे हेडर्स को टारगेट कर लेंगे. यहाँ पे आपको लिखना है हेडर्स, और हेडर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन. तो यहाँ पे आपको लिखना ऑथराइजेशन, और कैपिटल में रहेगा ये ऑथराइजेशन, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है. और इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे बीआरएल, ये नेमिंग कन्वेंशन है, जेसन वेब टोकन के साथ में ये फॉलो की जाती है, स्पेस. फिर उसके बाद में हम कॉनकैट कर देंगे. कॉनकैट क्या करना है हमारे पास लोकल स्टोरेज में जो है टोकन है, तो उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वो है टोकन का वेरिएबल. तो हमने टोकन यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड करा दिया है. सेव कर लेते हैं, कोई भी एरर आपको देखने नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हमने सेफ्टी साइड के लिए जो यहाँ पर उसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा दिया. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर राउट क्रिएट कर लेंगे गेट यूजर डेटा के नाम से. तो चलते हैं वापस यूजर राउट में,
और एंड पॉइंट हम क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर होम के लिए या फिर ऑथ कर देते हैं, और इसका मेथड भी रहेगा पोस्ट, और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे राउटर डॉट पोस्ट पोस्ट ऑफ स्लैश गेट यूजर डेटा। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर मिडलवेयर को ऐड कर देना है। तो हमारे मिडलवेयर का नाम है ऑथ मिडलवेयर। देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे फाइल ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं होती है तो मैन्युअली आप जो है ये सिंटैक्स को ऐड कर दे, कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वायर ऑफ, फिर उस फाइल का पाथ आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। तो मिडलवेयर हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद में आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथ CTRL, शॉर्टकट में मैंने लिख लिया। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, तो पहले क्रिएट कर लेते हैं हम इसको जो है हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर जो है हम क्रिएट कर लेंगे, और पूरा नाम ही दे देता हूँ मैं .env फाइल को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर इसका पूरा नाम हम ऐड कर देंगे ऑथ कंट्रोलर, और इसको क्रिएट करेंगे हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर। सो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है सेव, और यहाँ पर यूजर राउट के अंदर जो है इसको सेव कर लेंगे। पहले शुरू तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, आर कट करके कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर अगर आप सजेशन पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप ऑथ कंट्रोलर भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है सेव। अब इस ऑथ कंट्रोलर को आपको एसिंक बनाना है सबसे पहले, एसिंक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करेंगे। आप चाहे तो मिडलवेयर को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है सेपरेट कंट्रोलर की फाइल क्रिएट की है, इसीलिए हम जो है उसको राउट्स के अंदर जो है हैंडल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे पहले शुरू एरर को, और साथ ही में जो है रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर आप मैसेज ऐड कर सकते हैं मैसेज ऑथ एरर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर सक्सेस को फॉल्स कर देंगे, और जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे, यानी एरर ऑब्जेक्ट भी हम इसमें पास करा रहे हैं। अब ट्राई के अंदर जो है हमको हैंडल करना है रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर, क्योंकि यूजर को हमको गेट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट करेंगे, अवेट किस चीज का, हमको यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर से जो है फाइंड करना है, फाइंड बाय आईडी या फिर फाइंड वन भी कर सकते हैं हम, फाइंड वन, और इसके अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी, इसके बेसिस पे हमको फाइंड करना है, और ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑफ यूजर आईडी, और यहाँ पर चेक कर लेंगे हमको यूजर मिलता है या नहीं। इफ नॉट यूजर, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको तुरंत ही टर्मिनेट कर देंगे। सो रिटर्न करना है आपको रिटर्न रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, रिक्वेस्ट ओके है लेकिन यहाँ पर हमारे पास यूजर नहीं मिला, तो ये मैसेज हम उसको पास करा सकते हैं। सो मैसेज मैसेज में हम लिखेंगे यूजर नॉट फाउंड, सक्सेस इसमें हम कर देंगे फॉल्स, और इसके बाद में एल्स सिनेरियो में यानी जब हमारे पास ओके रिक्वेस्ट रहेंगी यूजर हमको मिल जाएगा, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर यूजर को सेंड करा देंगे। सब कुछ डेटा सेंड नहीं कराना हमको, हम उसका नेम ईमेल जो है सेंड करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेस डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और सक्सेस को कर देंगे हम ट्रू, और एक डेटा का ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे नेम को पास करा देंगे नेम, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यूजर में से यूजर डॉट नेम, उसके बाद में ईमेल भी पास करा देंगे। सो यूजर का ईमेल हमको पास कराना है यूजर डॉट ईमेल, तो ये दोनों चीज़ें हम जो है पास करा देंगे, यानी रिटर्न में हम ऐड कर देंगे और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, तो हमारा जो है राउट कंट्रोलर और मिडलवेयर जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। अच्छा एक प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा है रेस इज असाइनमेंट, ओके वार्निंग है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है npm रन dev, तो दोनों ही सर्वर हमारे ऑन हो जाएंगे। सो यहाँ से स्क्रोल अप देखिए कॉन्करेंटली की मदद से दोनों सर्वर हमारे रन हो रहे हैं, npm रन सर्वर और npm रन क्लाइंट। नोडमॉन सर्वर तो हमारा ऑन हो चुका है, क्लाइंट थोड़ा सा टाइम लेता है तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है, और एक यहाँ पर वार्निंग भी है वो सेम रेस हमने जो लिखा है और उसको यूज नहीं किया इसीलिए जो है यहाँ पर वार्निंग है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ से आपको क्या करना है, जाना है नेटवर्क टैब में, देखते हैं हमारा राउट जो है कॉल होता है या नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा साइड में कर लेंगे इसको, देखिए और यहाँ पर देख सकते हैं गेट यूजर जो है कॉल हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेटस जो है 200 है, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑथराइजेशन हमको मिल जाएगा, चेक करते हैं हेडर्स है और ये रहा ऑथराइजेशन, और बीएरएल जो है नल आया है, तो एक बार हम क्या करेंगे लॉगिन कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो है चेक कर लेंगे लॉगिन, और यहाँ से हमको करना है एडमिन @admin.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। देखिए होम पेज पे हम आ चुके हैं, अब देखेंगे यहाँ पर तो हमको डेटा मिलना चाहिए, तो देखिए ऑथराइजेशन में हमारे पास टोकन है, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू, डेटा के अंदर हमारे पास नेम आ रहा है एडमिन और उसका ईमेल भी सक्सेसफुली आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमको फर्दर जो है यहाँ पर हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो बैकएंड हमारा जो है प्रोटेक्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे फ्रंट एंड के लिए भी जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स जो है क्रिएट करेंगे, और इस ऑथराइजेशन की मदद से हम क्या करेंगे हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक हमारे पास टोकन रहेगा तभी हम जो है वो पेज को शो कराएंगे, नहीं तो वो पेज हम शो नहीं कराएंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सोर्स कोड आपको जो है गिटहब पर मिल जाएगा, सो मेक श्योर आप ब्रांचेस चेक करें, क्योंकि सारा कोड जो है ब्रांचेस में सीरियल वाइज रहेगा, तो उस ब्रांच पे जाइए, वीडियो के नाम के हिसाब से मैंने ब्रांचेस क्रिएट कर रखी है तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो सोर्स कोड में से अपने कोड को एक बार जरूर कंपेयर करें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।